चलें इसको शुरू करते हैं हम। और इसमें हमारे पास जो आज है कि हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा ऐड बनाया था हमने पावर पॉइंट के ऊपर, इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक कैसे ऐड किया जा सकता है। अब म्यूजिक ऐड करने के लिए हम ऐड तो कर देंगे, लेकिन इसकी आवाज़ आपको किस तरह आएगी? अच्छा, फिर मैं इसको यहाँ से पुल आउट करता हूँ। इसके ज़रिए हम देखते हैं कि कैसे इसके बैकग्राउंड में हम अपनी वॉइस जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया वॉइस ऐड करने के लिए, तो मैं पहले इसका ज़रा स्पीकर का जो साउंड है वो थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ओके, तो अब जो भी मैं इसमें बोल रहा हूँ वो भी आपको रिकॉर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा फैन की आवाज़ भी आएगी, लेकिन साथ में आपको ऑडियो शो वो भी आपको सुनाई देगा। बैकग्राउंड में ऑडियो लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई ऐसा परफेक्ट ऑडियो होना चाहिए जो इसके बैकग्राउंड में काम करे। जैसे इसके लिए मैंने कुछ ऑडियोज़ अपने पास रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं हम या म्यूज़िक के फोल्डर में जाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके हम देखते हैं। तो ये मैंने कुछ रखे हुए हैं, जैसे ऑडियो सॉन्ग है। अब ऑडियो जो सॉन्ग होता है या ऑडियो म्यूजिक जो होता है जिसको गाना कहते हैं ऑडियो, इसके प्रॉपर्टीज में जब हम जाएंगे तो हमें पता पड़ता है कि जो इसकी फाइल टाइप है बेसिकली वो है MP3। यानी कि ऑडियो हमें दो तरह से दस्तियाब है, एक MP3 फॉर्मेट में, दूसरा वेव फॉर्मेट में। पावर पॉइंट दोनों को ही सपोर्ट करता है, जो नया वर्जन है 2019 या 20 या 21 वगैरह। लेकिन अगर MP3 ऑडियो की बात करें तो ये स्पेशल फॉर्मेट है जो ऑडियो को सपोर्ट कर रहा होता है। यानी कि जितने भी गाने होते हैं वीडियोस में वो MP4 में आ रहे होते हैं मोस्टली, और ऑडियो में जो आ रहे होते हैं वो MP3 में आ रहे होते हैं। और दूसरा फॉर्मेट है .wav, ये ज़रा इससे पुराना फॉर्मेट रहा है ऑडियो के हवाले से। अब मैंने यहाँ पे जैसे ये बांसुरी की धुन है, इस पर क्लिक किया, काफ़ी सारे ऑडियो मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑडियो सॉन्ग्स भी होते हैं और ऑडियो सॉन्ग्स के अंदर भी म्यूज़िक होता है। पहला तो उसमें ये देखना है कि अगर हमें म्यूज़िक चाहिए प्योरली म्यूज़िक, जैसे टिकटॉक पर, स्नैपचैट पर, और मोस्टली टिकटॉक पर ट्रेंड जो आते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, टिकटॉक पर जाना पड़ेगा, वहाँ से उसका जो जो हमें वो टैंपलेट बना हुआ देता है उसको डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद फिर हम उसको अपने कंप्यूटर में यूज़ करें। अब पता नहीं टिकटॉक वेब पे चलता है, तो मैं इसको ज़रा ट्राई करता हूँ फिर आपको करके बताता हूँ। अब ये तो क्या है कि PC चलाएं इसको, PC में डाउनलोड डाउनलोड नहीं होगा इसके लिए, फिर दूसरा दो चार सॉफ्टवेयर और करने पड़ेंगे। ये डायरेक्टली चला लेते हैं इसको, तो डायरेक्ट चलाना आसान है। तो मेरा जो ID टिकटॉक पे बना हुआ है, जो रजिस्टर्ड है, मैं उसको यहाँ से बना के टिकटॉक पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से उसको लॉग इन करा लेता हूँ। ठीक है, मीनवाइल अगर आप YouTube यूज़ करते हैं तो YouTube के अंदर भी हमें फ्री ऑडियो मिल जाते हैं काफ़ी सारे। उसमें कैसे मिलते हैं, यहाँ पे YT स्टूडियो के नाम से इनका एक पूरा मामला है। यहाँ पे हम जाएंगे, YT स्टूडियो खुला हुआ है, और यहाँ पे क्लिक करके हमने क्लिप्स आ गए, इसकी लाइब्रेरी है पूरी, एडिटर बॉक्स में आ गए, ये ऑडियो को एडिट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। नीचे जाते हैं इसको ज़रा, तो पीछे ऑडियो लाइब्रेरी, यहाँ पे एक ऑप्शन है इसका। ठीक है, ये लास्ट में ऑडियो लाइब्रेरी। अब ये देखें, ये सारे इसके अंदर सॉन्ग्स
साउंड्स हैं जो फ्री हैं, जो म्यूजिक्स हैं, जैसे साउंड इफेक्ट्स भी हैं इसके अंदर, किड्स प्लेइंग इफेक्ट। ठीक है, इस तरह से ट्रक ड्राइविंग इफेक्ट है पार्किंग में। डे टाइम फॉरेस्ट, ऐसे मुख्तलिफ साउंड इफेक्ट डाले हुए ताकि आप अपनी वीडियोज में ऐड कर। म्यूजिक में आ जाए तो फिर ये ऑडियोज हैं, जिनको आप अपने बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। अब इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, यहीं पे आगे आके आपको कुछ डाउनलोड वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और उसको स्टार्ट डाउनलोड करेंगे। ये थोड़ी देर में 6 MB की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, बट इंटरनेट इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अच्छा अभी टिकटॉक खोला था तो वही कंटिन्यू विद जीमेल करते हैं, थोड़ा सा साइन इन का प्रोसेस कर ले। आईडी लगा दिया अपना, कंटिन्यू कर दिया इसको। अच्छा, जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो ये पूरा एक म्यूजिक फाइल होगी ना, हो जाएगा डाउनलोड। ऐसे कोई भी ऑडियो सॉन्ग भी हो सकता है, एग्जांपल ले रहे हैं उसकी। यहाँ से ओपन फोल्डर करेंगे, ये डाउनलोड हो गया, भी देखते हैं तो यहाँ पे भी चलते हैं। ये मेरा डाउनलोड हो गया, इसको मैंने यहाँ से कट किया। कट करने के बाद मैं ले गया इसको अपने माई म्यूज़िक के फोल्डर के अंदर, जो कि मेरा यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे ले जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके इधर आ गया। अब मैं एक तरीका तो ये पूरी फाइल इसके अंदर ऐड करा दूँ, इंसर्ट मीडिया ऑडियो ऑडियो इन माई पीसी क्लिक करके, और मैंने कहाँ सेव किया इसको म्यूज़िक, और अभी जो फाइल आई थी डाउनलोड करके से नाम था उसका। ठीक, ये पूरी फाइल एक स्पीकर के तौर पे यह ऐड हो जाएगी। अब जब ये ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्ले इन बैकग्राउंड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही करेंगे तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे स्ट्रीम ऑडियो के ऊपर। यहाँ पे बता रहा है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 मिनट 1 सेकंड है, और ये ऑडियो फाइल इस तरह से शुरू होगी। ये इसका स्टार्ट वाला हिस्सा हम थोड़ा कम करना चाहें, ये एंड वाला हिस्सा हम इसका थोड़ा कम करना चाहें, पूरा चाहें तो पूरा भी रख सकते हैं, लेकिन हम कम करना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं। मैंने कहा 52 सेकंड से शुरू करो इसको और एंड कर दो इसको 1 घंटा और 9 मिनट पे। तब भी जाके कितने बन रहे हैं, तकरीबन काफ़ी टाइम बन जाएगा इसका। तो हम इसको और कम करते हैं कि हमारा जो एड है वो है 20 सेकंड का 25 सेकंड का, तो 52 सेकंड में हम डालते हैं तो ये हो जाएंगे 62, यानी कि इसको थोड़ा और कम करते हैं 57, 58, 59, 60, तो ये आ गए हम इसके ऊपर, और ये हो गए 10 सेकंड, और ये हो गए आपके 20 सेकंड, और ये हो गए आपके 25 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से 52 सेकंड से स्टार्ट करेगा और 1 मिनट 15 सेकंड, यानी कि ये हिस्सा सिर्फ प्ले करेगा पूरे 4 मिनट के ऑडियो का। जैसे इसको ओके करेंगे तो ये आपके यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, और अप्लाई होने के बाद जैसे ही आप स्लाइड शो करते हैं बैकग्राउंड में। एक तरीका तो ये है, इस तरह आप कोई ऑडियो ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि कोई भी, जैसे मैंने टिकटॉक का बताया, इसके ट्रेंड को डाउनलोड कर लें। अब इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, अपलोड कैसे करेंगे, जैसे ये ट्रेंड पर है, ये वाला लगाना है मुझे।
कहाँ से आते हैं? ठीक है पहले इसको डाउनलोड करना होगा हमें अपने कंप्यूटर में, ये जो इसका म्यूजिक है या जो भी है, ठीक है ना। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा फिर हम करते हैं कॉपी लिंक करके, अगर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं इंसर्ट में जाके और यहाँ से ऑडियो पे क्लिक करते हैं, ऑडियो माई पीसी पे क्लिक करते हैं तो ऑडियो माई पीसी पे तो ये ऑप्शन खुलता है। लेकिन अगर मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ तो रिकॉर्ड एन ऑडियो, फिर ये तो आवाज़ रिकॉर्डिंग पे चला जाएगा। लेकिन ऑनलाइन का यहाँ पे कोई फीचर नहीं आ रहा, वीडियो पे ऑनलाइन का एक फीचर आ रहा है लेकिन इस पर तो वीडियो फिर प्ले हो जाएगी। सो ये अभी हम नहीं ले सकते, इसके लिए पहले हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, अब डाउनलोड करने के लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, उसको भी यूज़ करते हैं इसको डाउनलोड वगैरह करने के लिए, अगर हमारे पास ये कंप्यूटर में इंस्टॉल है। तो सॉफ्टवेयर को भी एक्टिवेट करके इसके ज़रिए भी हम डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे खैर ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा, शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है लेकिन डाउनलोड वगैरह का कोई ऑप्शन इस पर नीचे पर क्लिक करते हैं तो इस पर शेयर ही आ रहा है लेकिन डाउनलोड का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है। कॉपी लिंक करके फिर इसको डाउनलोड करने के लिए हमें कोई और वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, तो वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा मैं समझता हूँ जाकर, ठीक है ना। तो ये यहाँ से डाउनलोड हो नहीं पा रहा, ये ओरिजिनल ऑडियो पड़ा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं, देखें इसमें से कोई डाउनलोड के हमें कोई ऑप्शन मिल जाए। तो ये ओरिजिनल ऑडियो में हमारे पास इसके ऊपर जितने ट्रेंड बनाए वो दिखाई दे रहे हैं लेकिन ऑडियो का डाउनलोडिंग पॉइंट हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप शेयरिंग आ रही है लेकिन कॉपी लिंक है लेकिन डाउनलोड नहीं आ रहा। किसको थ्री डॉट्स पे क्लिक करें तो रिपोर्ट का ऑप्शन आता है बस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, सबको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉपी लिंक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं गूगल डाउनलोड फ्री डाउनलोड टिकटॉक वीडियोस ऑन लैपटॉप, ठीक है। लिंक तो कह रहा है कि ये है कोई वेबसाइट, ये करता है डाउनलोड। यहाँ से हम चले गए, यहाँ पर पेस्ट किया वो लिंक जो वहाँ से लिया था, डाउनलोड पे क्लिक किया, ठीक है। चले ये टाइम ले रहा है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जैसे एक ऑडियो को कट कैसे कर सकते हैं बीच में से ना, अपनी मर्जी का उसमें से कोई स्लाइस कैसे निकालना हो। जैसे यही वाला गाने को हम करके देख लेते हैं, मेरे पास एक ऑडियो सॉन्ग है जो कि बड़ा है ये मुझे कुछ सेगमेंट निकालना है। तो VLC क्लियर में ख़ास बात है कि यहाँ से व्यू में चले जाएं और यहाँ से आप इसका एडवांस मोड एक्टिवेट करेंगे तो ये एडवांस टूल्स यहाँ से एक्टिवेट होते हैं VLC क्लियर में, ये रेड टूल आपको नज़र आएगा जब आप इसको प्ले करेंगे। अब जैसे आप प्ले करेंगे तो ये इसको यहाँ से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे। एक ऑडियो उसमें से निकाल के उसी फोल्डर में सेव कर देगा म्यूजिक के अंदर, यहाँ पर ऑटोमेटिकली किसी भी ऑडियो ठीक है ना। इसी तरह से ये सलमान का सत श्री अकाल नमन में 3 मिनट का कुछ है इसका, ये भी जो हवा है मामला सत श्री अकाल नमस्कार आदा जितना भी ये भी किस तरह
किसी भी ऑडियो में से, पूरे ऑडियो में से एक सैंपल उसका कैसे निकाल सकते हैं, और इसको भी हम इसके पीछे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम ऑफ डिलीट कर देते हैं, यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, ऑडियो ऑन में पीसी पे क्लिक करेंगे, अंदर फिर यहाँ सलमान एडिट वाले पे जाके क्लिक करते हैं और ये ऐड हो जाएगा, और प्ले इन बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे इसके जस्ट, और यहाँ पे स्लाइड पे करके देख लेते हैं। बैकग्राउंड के ऐड के ऊपर वो चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है कि वीडियो से ऑडियो कैसे कनेक्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो मैं देखता हूँ ज़रा अगर उसमें उसने काम किया है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हमने देखा कि दीगर ऑप्शंस काफ़ी खुल गए, लेकिन वो वाला ऑप्शन नहीं आया डाउनलोड करने वाला। बहरहाल ये डाउनलोड नहीं हो सका, लेकिन हम सपोज करते हैं कि हमारे पास अगर कोई टूल है और उस पर से हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं किसी वीडियो में से ऑडियो एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास एक वीडियो होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा, वीडियो तो यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं कोई अच्छे म्यूज़िक की, और उसमें कैसे कर सकते हैं चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से क्लिक करते हैं, मेरे पास यूट्यूब तो ओपन ही है, तो मैं यहाँ से यूट्यूब पर चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कोई एक दे देता हूँ फास्ट बैकग्राउंड, फास्ट ट्रैक लिख देते हैं, फास्ट ट्रैक, ठीक है ना। अब फास्ट ट्रैक में हमने उसे इसके ऊपर देखते हैं क्या साउंड लगाया हुआ है इसने, ठीक है। यहाँ पे जब हमारा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है यहाँ पे ऑप्शन देगा, तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि आप किस क्वालिटी में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं इसको इस क्वालिटी में डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, स्टार्ट कर दिया। ये वीडियो मेरे पास डाउनलोड हो रही है, तो इसको थोड़ा सा एक दो मिनट लग सकते हैं। इसे ऐड दे दिया इसके ऊपर, दोबारा से ट्राई करते हैं इसको। मोटिवेशनल म्यूजिक लिख के देखते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशनल म्यूजिक में हमारे पास तीन ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग जो हर स्टूडेंट के अंदर एनर्जी का मोटिवेशन नहीं आ रही है ऐसे म्यूजिक से, तो हम तो अगर आप भी पढ़ाई करते हो या फिर हाँ चूरन Thank you.
Looking to launch your online store? Sprocket helps you build your dropshipping store in just 5 minutes with AI. Access high quality. डाउनलोड तो ही नहीं पा रहा इसके अंदर से, मेरे पास कोई वीडियो इस तरह की रखी भी नहीं है।